हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग सब्जी की मंडी। मंडी की सब्जी। तो गाइस, आज हम लोग निकल चुके हैं सुबह सुबह 6 बजे सब्जी मंडी, सबसे बड़ी जो भोपाल की है, करोंद मंडी। तो गाइस, हम लोग सुबह यहाँ नज़ारा देखते हुए और वेदर को एंजॉय करते हुए, फ्रेश हवा लेते हुए यहाँ पर मंडी जा रहे हैं। और जो यहाँ पर मंडी है सबसे बड़ी, जहाँ पर होलसेल रेट सारी सब्जियाँ सप्लाई होती हैं पूरे भोपाल के अंदर, यहीं से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लोग ले जाते हैं। तो गाइस, हम लोग यहाँ से सुबह सुबह जा रहे हैं और हम लोग आप लोग को अपडेट करेंगे क्या भाव चल रहा है और आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सजेस्ट करेंगे। सबसे बड़ी मंडी, मंडी की सब्जी, सब्जी में मंडी। तो गाइस, आप लोग को सारी सब्जियों के रेट्स बताएंगे और सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे ताकि आप सतर्क रहें और अपने घर में जानकार बने। तो हम लोग इसी तरीके से सुबह 8 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए मंडी की ओर जा रहे हैं। और मंडी की ओर जाते समय हमने देखा कि काफ़ी लोग सुबह सुबह निकल पड़ते हैं और हम लोग ये मंडी पहुंच चुके हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इस तरीके से सब जगह बैठे रहते हैं और जो सारी सब्जियों के रेट्स रहते हैं वो होलसेल रेट पर रहते हैं, पर केजी और 5 किलो के रेट्स बताए जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो पर केजी के हिसाब से बताई जाती हैं, मिर्ची हुई, धनिया हुई, अदरक हुई, टमाटर हुए, और जैसे आलू हुआ, प्याज हुआ, ये जो चीज़ें रहती हैं ये पसेरी के हिसाब से बताई जाती हैं। एक पसेरी मतलब 5 किलो के बराबर होता है। ये प्याज पालक है ये किलो के हिसाब से आती है, जो गड्डियाँ रहती हैं, जो हम लोग मार्केट में थोक में एक गड्डी 20 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये की खरीदते हैं, वो यहाँ पर किलो में ये लोग खरीदते हैं। और सारी चीज़ें भिंडी हैं, लेस बाकी ये जो है सारी चीज़ें जो आपको मिलती हैं ये किलो के हिसाब से देते हैं। अभी के टाइम में जो आलू और प्याज का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाइक पर है, और क्या रेट है ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। लहसुन जो है वो 3 रेट में हमको दिखाई दिया, 120, 150 और 170। और जो सबसे अच्छा बड़ी गली का लहसुन, मोटा वाला जो गली का लहसुन था वो 200 रुपये पर के जी था। तो ये मैंने 20 रुपये किलो लिए। और आम जो थे वो कैरेट थे, कैरेट 300, 400, 500 जैसा आम वैसे रहते। और जो फुटकर में जो मिल रहे थे रिटेल में वो 40 और 50 रुपीज़ मिल रहे थे। जो बाहर मार्केट में आपको जो मिलेंगे 70 रुपीज़, 80 रुपीज़ और 100 रुपीज़ पर केजी मिलेंगे। ये नींबू मैंने परचेज़ किए 40 रुपीज़ के आधा केजी, और ये 80 रुपीज़ पर केजी थे, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो नींबू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये बाय किए ताकि आप अपने आप को बैलेंस रख सकें। ये भैया ने बोला कि आप हमारा वीडियो बना रहे हो तो उन्होंने दो फिंगर्स दिखा दिए और अच्छा लगा सभी के चेहरे पर मुस्कान। और ये हमने नींबू लेने के बाद हम ये चल पड़े हैं आलू प्याज की ओर। ये मंडी का बैक साइड है जहाँ से हमने अपनी गाड़ी उठाई और उसके बाद हम निकल चुके हैं मंडी को देखते हुए। पीछे साइड आलू प्याज का भाव अलग अलग पार्टीशन होता है। यहाँ पर आलू प्याज का जो था ये देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, जो मौलाना जी खड़े हुए हैं, बाकी सब लोग आलू प्याज का, और बाकी जो मेन मंडी थी वहाँ सब्जी का रेट चलता है। आलू प्याज का जो रेट है वो मैं आपको बताना चाहूँ तो अभी बहुत ज़्यादा हाइक पर है, और आलू तो फिर भी 30 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, बट जो प्याज का रेट है वो आप खुद सुन लीजिए। ये प्याज का रेट है, और प्याज का रेट जो है बहुत ज़्यादा हाइक पर है, यानी कि 35 रुपीज़ पर केजी, 40 रुपीज़ पर केजी, 35 टू। सबसे छोटी छोटी प्याज है वो 30 रुपये किलो चल रही है। अभी हम पूछेंगे भैया प्याज कितने दे रहे हो, भैया 2 किलो दे दो, 2 किलो। प्याज ले ली।
जी बाहर रिटेल रेट्स अलग होंगे, ये होलसेल रेट हैं। यहाँ पर टमाटर काफ़ी महंगा हो चुका है, 40 रुपये से कहीं भी नीचे नहीं है, 40 रुपये मिल रहा है टमाटर। ये जो नींबू हैं ये 80-100 रुपये चल रहे हैं गर्मी के दौरान। और ये सारे रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी गर्मी की वजह से बढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा हाई है। प्याज भी आप देख सकते हैं, जो कि प्याज पूछ लीजिए वो 40 रुपये से कम नहीं है। पहले इन्होंने कहा कि एक बार इनसे देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 20 रुपये जैसे बताया था तो ये मैं रिटर्न हुआ। और इनसे जब मैं पर्सन करने के लिए गया था, ये कॉर्नर वाले 30 रुपीज़ थे, लास्ट वाले 40 थे, और बीच में जो छोटे छोटे कीले रखे हुए थे वो 20 रुपीज़ रखे हुए थे, तो फ्रेश थे, तो इसलिए मैंने वापस से वो बाय किए एक बार अगेन। और मैं एक दर्जन ले चुका था, ये मुझे दोबारा दो एक दर्जन और लेने पड़े। तो ये केला मैंने फ्रेश लिया, और हमेशा जब भी केला लें तो देखें कि नीचे की तरफ जो प्रेशर तो नहीं पड़ा हुआ है किसी केले में, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाता है, दब जाता है। और उसके बाद ये हम यहाँ से निकल चुके हैं लेने के बाद, ये देख सकते हैं आप कितने सारे होलसेलर बैठे हुए हैं सब्ज़ी मंडी में। और उसके बाद सारे आम के और सारे सब्ज़ियों के रेट लेते हुए गए, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग ने केला लिया, और केला लेने के बाद हम लोग निकल चुके हैं मंडी से बाहर की ओर, और कृषि मंडी और जो बड़ी करोन मंडी कहलाती है भोपाल की। और ये लेने के बाद अगर आप जो रेट्स मेरे हैं वो सुनने के बाद आप रिटेल रेट सुनेंगे बाहर मार्केट में, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ में और बाहर में क्या डिफरेंस है, क्यों मंडी लोग आते हैं जो पास से हैं वो भी और जो दूर से हैं वो भी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है यहाँ पर, और आप लोग ज़रूर आएँ जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि बाहर में और यहाँ पर बहुत फ़र्क है। तो रेट्स थोड़े कम रहते हैं, और आप 1 वीक के लिए सब्जी भर के लेके जा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कुछ नई यूनिक चीज़ के साथ।